बिरयानी, ठीक है बिरयानी के बारे में तो देखो, फ्रॉग की बिरयानी, ओके तो फ्रॉग द अनटोल्ड स्टोरी है ना, अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या है कि आपको ये बताया गया है कि फ्रॉग जो है वो अभी नीट के सिलेबस में नहीं है, बट नीट वालों ने दो तीन बार धोखा किया है ना, 2016-17 में क्वेश्चंस डाले फ्रॉग के, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मैडम ने अपने साथ में धोखा किया, अपने को फ्रॉग पढ़ाया ही नहीं, ऐसा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इसीलिए फ्रॉग आपको पढ़ा देते हैं, फिर बाद में एग्जाम में आया नहीं आया तो वो फिर नीट वालों का लुकआउट है, ठीक है। चलो तो फ्रॉग का मैक्सिमम जो अंदर का पूरा पैकेजिंग है, मटेरियल भरा हुआ है, वो सब ह्यूमन के जैसा ही है मैक्सिमम, ओके। बाहर का तो ऑफ कोर्स अलग है, अब हमारा किसी का चेहरा फ्रॉग के साथ मैच करता है तो प्योरली कोइंसिडेंस होगा, ठीक है, वैसे तो डिफरेंस है। तो फ्रॉग जो रहता है, देखो ये किंगडम एनिमेलिया में क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है, पढ़ा हमने किंगडम एनिमेलिया में क्लास एम्फीबियंस, तो एम्फीबिया में फ्रॉग इन्वॉल्व होता है, ओके इंक्लूड होता है। तो फ्रॉग एम्फीबिया होने के कारण लैंड पे भी रहता है, वाटर पे भी रहता है, दोनों तरफ रहता है ये। फ्रॉग जो रहता है ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, कांस्टेंट नहीं रख सकता, जैसे हम लोग हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, सो वी आर वार्म ब्लडेड होमियोथर्म्स। आपको पता है फ्रॉग अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता तो वो क्या हो गया, पॉइकिलोथर्म, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो फ्रॉग जो रहेगा ये रहता है कोल्ड ब्लडेड, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर ये कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए समर में एंड विंटर में, जब समर अपने पिक पर रहता है, विंटर अपने पिक पर रहता है, तो जनरली फ्रॉग दिखाई नहीं देते, ऐसे एनसीईआरटी में दिया है, पर मेरे घर में तो अभी भी फ्रॉग दिखते हैं, मेरे शूज़ नीचे पड़े हैं जो बहुत दिन से कुछ काम में आए नहीं है, उसमें कितना बड़ा फ्रॉग छुप के बैठा है, रोज ऐसे बाहर निकलता है और अंदर फिर शूज़ में जाके छुप जाता है, तो आपको उसको लाइव देखना है तो जाते जाते नीचे शूज़ में देख लेना, बहुत बड़ा हो गया वो भी वहाँ पे पड़े पड़े, ओके। तो फ्रॉग जनरली समर में और विंटर में अपने आप को बरोज में अंदर छुपा लेते हैं टेम्परेचर को बॉडी के कंट्रोल करने के लिए, तो उनकी जो समर स्लिप रहती है वो समर स्लिप को बोलते हैं एस्टाइवेशन, और विंटर में जब वो सो जाते हैं लंबे टाइम तक उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ओके। तो समर स्लिप, विंटर स्लिप, एस्टाइवेशन एंड हाइबरनेशन, ऐसा रहता है। अब फ्रॉग की जो बॉडी रहती है इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा ऑलिव ग्रीन कलर एक्सटर्नल साइड पे हमको दिखाई देता है और अंदर के साइड में दिखता है पेल येलो कलर, ओके। पर ये जो फ्रॉग है अगर हमने उसको ऑब्जर्व किया तो ग्रास पे ही अपना कलर चेंज करता है, ग्रास पे अलग कलर का होगा एंड ड्राई लैंड पे अलग कलर का होगा, तो ये जो फ्रॉग अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकता है, इट इज टू कैमोफ्लेज विद द सराउंडिंग। कैमोफ्लेज का मतलब क्या है, मैच होना, वो जहाँ पे रहता है अपने सराउंडिंग के साथ खुद को मैच करने की कोशिश करता है, क्यों कोशिश करता है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, एनिमीज के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने ऐसे बॉडी कलर को चेंज करता है, अपने सराउंडिंग के साथ में कैमोफ्लेज हो जाता है वो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री, अपने सराउंडिंग के साथ में कैमोफ्लेज हो जाना अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, सो दिस इज नोन एज द मिमिक्री। तो ये जो फ्रॉग रहता है बेडुक, आपको शायद पता होगा कि इसकी जो स्किन है, अगर आपने कभी हाथ लगाया होगा ना तो फ्रॉग की जो स्किन रहती है वो एकदम मॉइस्ट रहती है, और फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता अपने जिंदगी में, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स द वाटर, वो सिर्फ अपने स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फ्रॉग की जो स्किन है हाथ लगा एकदम बिल्कुल मखमली, एकदम मॉइस्ट रहती है, बिल्कुल स्लिपरी, वहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, खुद कभी भी अपने ज़िंदगी में पानी नहीं पीता फ्रॉग, समझ में आया, जस्ट स्किन से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा उसके दो है फोर लिंब है और हाइंड लिंब है, अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो फोर लिंब में देखो चार डिजिट दिखाई देते हैं और हाइंड लिंब जो रहते हैं वहाँ पे एक्चुअली पांच रहते हैं उधर साइड में, तो उसके हैंड लिंब में पांच डिजिट रहते हैं, पांच उंगलियाँ, और फोर लिंब में चार डिजिट रहते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल फ्रॉग अलग अलग रहता है, कैसे पहचानेंगे, साउंड के बेसिस पे हम पहचान सकते हैं, मेल और फीमेल फ्रॉग का साउंड अलग अलग रहता है। और दूसरी बात, जो मेल फ्रॉग है तो फोर लिंब का जो पहला डिजिट रहता है ना, सपोज ये चार डिजिट फोर लिंब में है, तो फोर लिंब का जो फर्स्ट डिजिट है उसके नीचे कॉपुलेटरी पैड रहता है मेल फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड होता है उसके
फर्स्ट डिजिट के ऊपर ऐसा चिपका हुआ, कॉपुलेटरी पैड मतलब उसके मदद से वो फीमेल को ऐसे पकड़ता है। ओके तो उसके फोरलिम के फर्स्ट डिजिट के ऊपर कॉपुलेटरी स्टिकी वाला पैड होता है और वॉइस के बेसिस पे, साउंड के बेसिस पे वी कैन डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल फ्रॉग। कॉमन फ्रॉग जो हमारे इंडिया में हमको दिखता है दैट इज राना टिग्रीना। एनसीईआरटी में आपको जो नाम दिया है फ्रॉग का, वैसे तो फिर बहुत सारे अलग अलग नाम होंगे, कॉमन जो है दैट इज राना टिग्रीना, ये कॉमन फ्रॉग हम देखते हैं। अब उसके अंदर जाते हैं तो ये हो गया उसका मॉर्फोलॉजी। हाँ, मॉर्फोलॉजी में और एक आएगा कि फ्रॉग की जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक। हेड है, नेक और टेल अब्सेंट है, तो ना नेक दिखाई देता ना टेल, हेड दिखता है और ट्रंक दिखता है। जस्ट अबव द माउथ, ये ओपनिंग दिख रहा है आपको छोटे छोटे, तो माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर देयर, एयर वगैरह अंदर जाने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल के जस्ट पीछे आपको आईज दिख रहा है, तो फ्रॉग के जो आईज रहते हैं वो सिंपल, कल हमने कॉकरोच पढ़ा वैसे मोज़ेक, ब्लर विजन नहीं रहता है ना, एक मतलब एक ही दिखाई देगा, वो 2000 में दिखते हैं, तो सिंपल आईज रहती है फ्रॉग में। और आईज के ऊपर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कवर रहता है ताकि पानी में भी उसके आंखों को प्रोटेक्शन मिल सके। ओके तो वाटर में भी वो ऐसे अपनी आंखें खुली की खुली रख सकता है क्योंकि आईज के ऊपर कवर है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का, सिंपल आईज रहती है। जस्ट बिहाइंड द आईज आपको ये रेड कलर का यहाँ पे पर्दा दिख रहा है डायग्राम में, सो दैट इज टिम्पैनम। वो जो पर्दा आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं टिम्पैनम। सो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ये जो पिन्ना है ये वहाँ पे एम्फीबियंस में नहीं दिखता, उनका जो ईयर होता है द ईयर इज रिप्रेजेंटेड जस्ट बाय द टिम्पैनम। समझ में आया? सो माउथ है, माउथ के ऊपर क्या है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, उसके पीछे सिंपल आईज कवर्ड बाय अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ताकि वो अपनी आंखों को प्रोटेक्शन दे सके। जस्ट बिहाइंड दैट आपको ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, टिम्पैनम विच रिप्रेजेंट्स द ईयर। ओके, अंदर क्या भरा है, चालू करते उसके खोपड़ी से, मतलब उसका नर्वस सिस्टम। तो फ्रॉग के नर्वस सिस्टम में एनसीईआरटी में आपको डिटेल ना देते हुए बस इतना दिया है कि उसके भी नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन के बारे में देखेंगे तो तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी लोब्स जैसे हमारे ब्रेन में है वैसा ही है। सेरेब्रम के दो पार्ट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायनसेफेलॉन। तो सारी चीज़ें मैक्सिमम नर्वस सिस्टम की फ्रॉग की और हमारी सेम है, इतना ही आपको दिया है। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो ब्रेन है ह्यूमन बींग्स का, वहाँ से कितनी क्रैनियल नर्व्स निकलती है, ह्यूमन ब्रेन से कितनी क्रैनियल नर्व्स निकलती है, कितनी पेयर है क्रैनियल नर्व्स की, ओ ओ ओ पैंथर, तेरी आके फैंटेस्टी, गाल मेरी सुंदर है, लर्न किया था ना हमने, कितनी पेयर लर्न की थी, 12। हाँ, तो हमारी 12 पेयर है ना क्रैनियल नर्व्स की, याद है आपको 12 नाम। ओ ओ ओ क्या है, ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसन्स, फेशियल, हाँ, ऑडिटरी, ग्लासोफेरिंजियल, वैगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। ये तो नाम लर्न होने ही चाहिए, अभी अभी आपने बोर्ड्स की एग्जाम दी है। तो ये 12 पेयर किसके हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स ये ह्यूमन्स में रहती है। बट आपको एम्फीबियंस में फ्रॉग के लिए याद रखना है कि फ्रॉग में उसके नर्वस सिस्टम में सीएनएस में प्रेजेंट रहता है 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल। याद नाम वगैरह कुछ आपको दिए नहीं है रखने के लिए। ओके, बस याद रखना है कि फ्रॉग में आपको क्या दिखता है, 10 पेयर्स ऑफ अ क्रैनियल नर्व्स। पता है एनसीईआरटी वालों को, हमारे ह्यूमंस का ही तो याद नहीं रहता, तो फ्रॉग का कहाँ पे। पहले तो सिलेबस में रैबिट भी था, अभी तो एटलीस्ट उसके क्वेश्चन नहीं आते, रैबिट बहुत सुन के भी क्वेश्चन पूछते थे। सो फ्रॉग से निकलती है 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ये आपको बस याद रखना है। अब उसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टार्ट्स विद अ माउथ, माउथ ओपन इन टू द कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी के बाद रहेगा फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स ओपन इन टू द ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस। तो ईसोफेगस दिख रहा है आपको, तो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम बकल कैविटी माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस का जो पाइप है वो कहाँ पे आता है, इन टू द स्टमक, स्टमक के बाद फूड कहाँ पे जाता है, इन टू इंटेस्टाइन।
अब आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी कि फ्रॉग का जो इंटेस्टाइन रहता है वो शॉर्ट होता है, बिकॉज फ्रॉग इज कार्निवोरस, कार्निवोरस है ना, कीड़े मकोड़ों को खाता है, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है दैट इज शॉर्ट। ओके, हर्बीवोर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली लॉन्ग होता है, फ्रॉग का थोड़ा शॉर्ट है। फूड कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पे, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे गया? रेक्टम। डाइजेशन इंटेस्टाइन में पूरा हो जाएगा। डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए इंटेस्टाइन में देखो ये लीवर दिखा है आपको, लीवर से आता है बाइल जूस। लीवर का बाइल जूस कौन स्टोर करके रखता है? गॉल ब्लैडर, पता है ना, सब ह्यूमन डाइजेशन के जैसा डाइजेशन है यहाँ पे पूरा। तो ये लीवर है, लीवर का बाइल जूस स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर से भी बाइल जूस इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टिनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, जैसे ह्यूमन के डाइजेशन के लिए रहता है। ह्यूमन डाइजेशन में जो जो आपको दिख रहा है वो सेम यहाँ पे फ्रॉग में भी आपको दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है? तो डाइजेशन के लिए काम करता है इंटेस्टिनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे जाएगा रेक्टम, और अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीटा बॉडी के बाहर निकलेगा थ्रू दिस ओपनिंग नोन एज अ क्लोएका और क्लोएकल एपर्चर। समझ में आया? देखो फ्रॉग में क्लोएका ऐसा ओपनिंग है जहां से यूरिन भी बाहर निकलती है, फीकल मैटर एक्सक्रीटा भी बाहर निकलता है और गमिट्स भी बाहर निकलते हैं। समझ में आया? फ्रॉग में, टर्टल्स में, इन्हें इवन टर्टल जो रहता है ना, टर्टल में तो क्लोएका से वो रेस्पिरेशन भी करता है। तो फ्रॉग में कॉमन ओपनिंग है जिसको बोलेंगे क्लोएका। तो क्लोएका से क्या बोलते, यूरिन भी बाहर निकलेगा, एक्सक्रीटा भी बाहर निकलेंगे, गमिट्स भी बाहर निकलेंगे। कॉमन ओपनिंग रहता है एक ही, यहाँ पे तीन चार अलग अलग ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग कॉल्ड क्लोएका। ओके, तो ऐसा ही उसका कौन सा वाला सिस्टम हो गया? डाइजेस्टिव। एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ ध्यान दो, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको ये जो दो रेड कलर की दिखाई दे रही है, दीज आर किडनीज, पेयर ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर येलो कलर की फैट बॉडीज दिखती है। फैट बॉडीज का काम थोड़ी देर में समझ में आएगा। फैट बॉडीज में टेस्टीज पकड़ के रखते हैं ये, किडनीज के ऊपर जो फैट बॉडीज दिख रही है ना, वो जनरली उसमें टेस्टीज वगैरह प्रेजेंट रहती है मेल फ्रॉग में भी आएगा। तो पेयर ऑफ किडनीज आ गया, किडनी के अंदर अगर नेफ्रॉन रहेंगे, जैसे हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स है, फ्रॉग के भी किडनी में नेफ्रॉन रहता है, ब्लड वहाँ पर फिल्टर होता है, यूरिन तैयार होता है। यूरिन कहाँ पे जाएगा? यूरेटर। स्टोर कहाँ पे होगा? येलो कलर का जो दिख रहा है दैट इज अ यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी में यूरिन बनेगी, यूरेटर से आएगी, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगी, और फिर यूरिन कहाँ पे ऐड होंगी? इनटू द क्लोएका। क्लोएका से यूरिन भी बाहर आने वाली है। ओके, इसके यूरिन में क्या रिलीज करता है? ये यूरिया। फ्रॉग अपनी यूरिन में रिलीज करता है यूरिया, इसीलिए वो हो गया यूरियोटेलिक। ठीक है, फ्रॉग अपने यूरिन में यूरिया रिलीज करता है, इसीलिए वो क्या हो गया है? यूरियोटेलिक। लेकिन फ्रॉग का जो लार्वा रहता है, पता है ना आपको फ्रॉग के डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होती है, तो फ्रॉग का जो लार्वा रहता है वो क्या रिलीज करता है यूरिन में? अमोनिया। तो लार्वा कैसे रहता? अमोनोटेलिक। ओके, फ्रॉग के लार्वे को क्या बोलते हैं? टेडपोल। तो एडल्ट फ्रॉग रहता है यूरियोटेलिक, और फ्रॉग का जो लार्वा रहता है वो यूरिन में अमोनिया रिलीज करता है, तो वो हो गया अमोनोटेलिक। तो ये उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया, दोनों सिस्टम ये डायग्राम से आपको पता चल गई है। देन कम्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो फ्रॉग जब वाटर के अंदर है, सिंपल स्किन से रेस्पिरेशन करेगा, उसके स्किन से ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा डिफ्यूजन से। तो स्किन के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा कब? जब फ्रॉग कहाँ पर है? इनटू द वाटर। जब ये लैंड पर है, लैंड पे जब है वो तीन तरीके से रेस्पिरेशन करता है। एक तो अपने बकल कैविटी से एयर अंदर लेता है, दूसरा नॉस्ट्रिल से एयर अंदर लेता है। एयर कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो बकल कैविटी, लंग्स, नॉस्ट्रिल्स, इससे फ्रॉग का क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बकल कैविटी से भी वो एयर अंदर ले सकता है, या नॉस्ट्रिल से भी उसकी एयर जो है वो अंदर जाती है। तो अंदर जाने के बाद ये जैसे पर्पल कलर का आपको पेयर दिख रहा है, दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द लंग्स। जैसे ह्यूमन में लंग्स है,
वैसे आपको यहाँ पर ये पेयर ऑफ लंग्स दिखाई दे रहे हैं, उसके हेड रीजन के थोड़ा नीचे ट्रंक रीजन स्टार्ट होते होते ये पेयर आपको दिखाई दे रही है लंग्स की। समझ में आया? तो इतना ही दिया है आपको कि लंग्स के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। अगर वो कहाँ पे रहता है, लैंड पर, तो अगर वो वाटर में रहता है तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होने वाला है, स्किन। कैसे होनी चाहिए उसकी स्किन? मॉइस्ट स्किन के थ्रू उसका रेस्पिरेशन ब्रीदिंग होने वाला है। देन कम्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रॉग का जो हार्ट होता है कितने चैम्बर का रहता है? कितने चैम्बर का है फ्रॉग का हार्ट? 3 चैम्बर। सो हार्ट इज 3 चैम्बर। ये 3 चैम्बर में क्या रहता है? 2 क्या है ऊपर, एट्रिया, और 1 क्या है नीचे, वेंट्रिकल। तो फ्रॉग का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का रहता है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। पूरे बॉडी का ब्लड, ह्यूमंस का बताओ, हमारे बॉडी में पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके कहाँ पे जाता है? सुपेरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा। वैसा ही फ्रॉग में भी देखो आपको दिखता है ये सुपेरियर वेना केवा और ये आपको ओपनिंग दिख रहा है इंफेरियर वेना केवा। यहाँ से ब्लड कलेक्ट होगा, यहाँ से कलेक्ट होकर ब्लड यहाँ पे जाएगा, इसका सॉरी यहाँ पे जाएगा, इसका नाम क्या दिया है? राइट एट्रियम। लेकिन राइट एट्रियम जो है इसके आगे आपको एक कोन शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये राइट एट्रियम का ही पार्ट है। ध्यान दो, पीछे जो रेड कलर के दो दिख रहे हैं वो एट्रिया और पीछे जो रेड कलर का ही दिख रहा है वो है वेंट्रिकल। लेकिन उनके सामने ऑरेंज कलर का जो ट्रायंगुलर बॉक्स आप देख रहे हैं उसको नाम दिया है साइनस वेनोसिस। इट इज द पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। मतलब ब्लड राइट एट्रियम में जाने से पहले कहाँ पे कलेक्ट होगा? साइनस वेनोसिस। सुपीरियर वेना के वा इंफीरियर वेना के वा अपना ब्लड कहाँ पे डालेंगे? साइनस वेनोसिस। इट गोज टू द राइट एट्रियम, फिर कहाँ पे जाएगा? लंग्स। लंग्स से वापस आएगा, वापस आने के बाद कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम। एंड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा? इनटू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में आपको एक कोन शेप का पार्ट दिख रहा है, वेंट्रिकल इज लाइक अ कोन। तो वेंट्रिकल का जो कोन है उसको कोनस आर्टेरियोसिस ऐसे भी बोला गया है। क्या चला सोयन? मिक्स सर्कुलेशन। वेंट्रिकल में ब्लड जो रहेगा वो मिक्स होगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स रहेगा क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल है इसके लिए। ओके, तो वेंट्रिकल में आपको एक पार्ट दिखता है, एनसीईआरटी में भी उसको नाम दिया हुआ है कोनस आर्टेरियोसिस। ओके, तो वेंट्रिकल का ट्रायंगुलर शेप का पार्ट है उसके वेंट्रल साइड में जिसको बोलेंगे कोनस आर्टेरियोसिस, और राइट एट्रियम के सामने एक ट्रायंगुलर शेप का पार्ट जिसको नाम दिया है साइनस वेनोसिस। समझ में आया? तो ये हो गया फ्रॉग का कौन सा वाला सिस्टम, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है, ब्लड में आरबीसीज। हाँ, याद रखना है कि फ्रॉग की जो आरबीसीज है वो रहती है न्यूक्लिएटेड। हमारी कैसे रहती है? फ्रॉग की आरबीसीज है न्यूक्लिएटेड, मतलब उनमें क्या दिखता हमें? न्यूक्लियस। सो फ्रॉग की आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, बाकी सब कंपोजिशन हमारे ब्लड का जैसा रहता है। ब्लड के अलावा लिम्फ भी है, जैसे हमें भी लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ होता है वैसे फ्रॉग में भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम भी रहती है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन आपको दिख रहा है। ओके, हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका कनेक्शन लीवर के साथ और किडनी के साथ भी है, सेम इन अ फ्रॉग। फ्रॉग में क्या है उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका कनेक्शन लीवर के साथ है। लीवर के साथ कनेक्शन मतलब उसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का कनेक्शन जब लीवर के साथ है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इंटेस्टाइन टू लीवर, इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में ये है। इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और वो कहाँ पे जाता है? इनटू द लीवर। तो इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होकर लीवर तक कौन पहुँचाएगा? फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा कनेक्शन कौन सा है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कनेक्शन किसके साथ में है? किडनी के साथ। तो किडनी के साथ में जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज अ रीनल पोर्टल सिस्टम। समझ में आया? किडनी के साथ के कनेक्शन को क्या नाम दिया है बता? रीनल पोर्टल सिस्टम। और लीवर के साथ के कनेक्शन को क्या नाम दिया है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये कनेक्शन रहता है किडनी के साथ लीवर के साथ। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक्चुअली इसमें बहुत सारे लेबल भी दिख रहे हैं,
और फ्रॉग को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक हाथ महीने का तो फ्रॉग ही रहेगा, डिटेल सर्कुलेशन, डिटेल पूरा सब कुछ उसका। पर जितना एनसीईआरटी में दिया उतना हमको ओवरव्यू यहाँ पे कवर करना है, तो एनसीईआरटी में कम दिया है, उतने उतने लेवलिंग्स हमारे पूरे होने चाहिए। लास्ट आपको दिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो सबसे लास्ट में देखो, मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल फ्रॉग अलग है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो क्या दिख रहा है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ध्यान दो डायग्राम में, ये दो क्या है यहाँ पर, किडनी, ये जो दो है ये क्या है, किडनी। किडनी के ऊपर देखो येलो कलर की ये दो क्या दिख रहे हैं, टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर से फैट बॉडीज निकलते दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में टेस्टिस जो रहते हैं दे आर फाउंड अटैच टू द किडनी, जो टेस्टिस है फ्रॉग में वो किसको अटैच रहते हैं, किडनी को अटैच रहते हैं। और ये जो अटैचमेंट है इसके लिए फोल्ड है जिसको बोलते हैं मिसोशियम, टेस्टिस और टेस्टिस किडनी को अटैच है बाय फोल्ड। तो टेस्टिस और किडनी के बीच अटैचमेंट के लिए जो फोल्ड है, लिगामेंट है, उसको हमने क्या नाम दिया है, मिसोशियम, समझ में आया, उसको मिसोशियम बोला है। अब ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म लेकर कौन निकलता है बताओ, वासा डिफरेंशिया। तो ये जो वासा डिफरेंशिया है ये एंटर करते हैं इनटू द किडनी, टेस्टिस से निकलने वाले, देखो ध्यान दो, टेस्टिस से निकलने वाले जो वासा डिफरेंशिया है स्पर्मेटिक डक, ये टेस्टिस से निकल के किसके अंदर जाते हैं, किडनी, किडनी के अंदर जाते हैं, किडनी के अंदर एंटर करते हैं एक कैनाल के थ्रू, एक कैनाल के थ्रू किडनी में जाते हैं। उस कैनाल को हमने नाम दिया है बीडर्स कैनाल, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो वासा डिफरेंशिया बीडर्स कैनाल के थ्रू किसके अंदर पहुंचते हैं, फिर किडनी, और किडनी से निकलता है यूरोजेनाइटल डक, मतलब कॉमन डक निकलता है किडनी से, यूरोजेनाइटल डक, जिसके चलते ये कहां पर ओपन होंगे, इनटू द क्लोएका। समझ में आया क्या इसका, स्पर्म का जो ट्रैक है वो कैसे रहता है। सो ध्यान दो, किडनी को अटैच क्या रहती है इसकी, टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस है, किडनी को अटैच है, किडनी को अटैच कौन से वाली फोल्ड से रहती है, विद द हेल्प ऑफ अ मिसोशियम, ओके। फिर वहां से जो पाइप निकलते हैं स्पर्म्स लेकर, उनको क्या नाम दिया गया है बताओ, वासा डिफरेंशिया। वो किसके अंदर एंटर करेंगे, इनटू द किडनी, कौन से कैनाल के थ्रू एंटर करते हैं, ये बीडर्स कैनाल। और फिर किडनी के बाहर देखो यूरिनोजेनाइटल डक दिख रहा है, तो यूरिनोजेनाइटल डक मतलब किडनी से आने वाली यूरिन भी आएगी और स्पर्म्स भी आएंगे, समझ में आया। तो किडनी से आने वाली यूरिन स्पर्म दोनों भी वहां पर आने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिख रहा है, देखो डायग्राम में जो ब्लैक कलर का ही आपको दिख रहा है किडनी के ऊपर अटैच, दैट इज द पेयर ऑफ ओवरी, इसमें ओवा गैमेट तैयार होते हैं। एक फ्रॉग एक बार में 2,500 से 3,000 ओवा रिलीज करती है इनटू द वॉटर, एक फीमेल फ्रॉग एक बार में 2,500 से 3,000 ओवम जो है वो 2,500 से 3,000 ओवम रिलीजेस इन अ वॉटर। तो ये जो है ये पेयर ऑफ ओवरीज है, इनमें आपको ओवा दिखाई दे रहे हैं, और इसको देखो ओविडक्ट दिख रहे हैं आपको, ये पिंक कलर के जो डक्ट है इसको हमने क्या बोला, ओविडक्ट। ये कहीं पर भी किडनी के अंदर गए क्या, ये जो देखो ओवरी है यहाँ से ओविडक निकल रहे हैं, यहाँ से निकलने वाले ओविडक सेपरेटली कहाँ पर ओपन होते हैं, इनटू द क्लोएका, समझ में आया। ये जो ओविडक है सेपरेट कहाँ पर ओपन हुए, क्लोएका, और किडनी से निकलने वाले यूरेटर देखो सेपरेट हुए, समझ में आया। मेल फ्रॉग में क्या था कि वही यूरेटर और वही गमिट लाने वाला यूरोजेनाइटल डक, पर फीमेल फ्रॉग में देखो यूरेटर का ओपनिंग अलग है एंड ओविडक का ओपनिंग अलग है। तो इतना ही सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिया है कि टेस्टिस बस मेल का ही थोड़ा आपको याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन था जो मैंने बोला ना इसके पहले क्वेश्चन था, तो पाथ ऑफ द स्पर्म्स इन फ्रॉग, ऐसा क्वेश्चन था कि फ्रॉग में स्पर्म कहाँ से कहाँ पे जाते हैं, देखना अपने पीवाईक्यूज में मिलेगा, 2016-17 के कुछ पीवाईक्यूज में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ओके। पाथ ऑफ द स्पर्म पे ये क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ से निकल के कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे तैयार होते हैं, फिर टेस्टिस, टेस्टिस से निकलकर वासा डिफरेंशिया, वहां से कौन सा कैनाल, बीडर्स कैनाल, एंटर इनटू द किडनी, किडनी से बाहर निकलेंगे बाय यूरोजेनाइटल ट्रैक, और बाद में ओपन होंगे इनटू द, ठीक है। इतना सही छोटा सा फ्रॉग है।
फटाफट दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. तो फ्रॉग बिलोंग्स टू विच क्लास? एम्फीबिया. कॉमन फ्रॉग जो हमको यहाँ पे दिखता है इंडिया में, उसका नाम क्या है? राना पिगराना. वार्म ब्लडेड की कोल्ड ब्लडेड? तो दो बार सोएगा गहरी नींद में. एक समर में सोता है तो एस्टाइलेशन, विंटर में हाइबरनेशन. दोनों वक्त स्किन से रेस्पिरेशन करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन रहती है. ओके, बॉडी के दो पार्ट है, कौन से? हेड एंड रम. जनरली बाहर का कलर कौन सा रहता? ऑलिव ग्रीन. और नीचे का रहता है पेल येलो. फिर भी सराउंडिंग के साथ मैच होने की कोशिश करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री बोलते हैं. ठीक है, हेड एंड ट्रम दो पार्ट है. माउथ के ऊपर क्या है? पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल के ऊपर क्या है? आईज. कैसे आईज है? सिंपल. कवर कौन से मेम्ब्रेन करता है? एंडोडर्मिक मेम्ब्रेन. आईज के जस्ट पीछे ये क्या है उसका? टिम्पैनम, विच रिप्रेजेंट्स द ईयर. ठीक है, फोर लिम में कितने डिजिट रहते हैं? चार. हाइंड लिम में 5. और मेल एंड फीमेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साउंड. एंड फोर लिम में फर्स्ट डिजिट पे क्या रहता? कॉपुलेटरी पैड रहता है. ठीक है, फ्रॉग कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता पूरे लाइफ में, स्किन के थ्रू वो उसको एक्सचेंज करता. माउथ में वो टंग है ना फ्रॉग की, प्रोट्रूजिबल टंग, ऐसे टंग बाहर निकल के इंसेक्ट अंदर लेता है, वो प्रोट्रूजिबल टंग उसमें रहती है. ओके, सर्कुलेटरी न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा? वैसे एंडोक्राइन सिस्टम भी है. देखो फ्रॉग में भी रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायमस ग्लैंड, ये सब फ्रॉग में भी है. जैसे ह्यूमन में ग्लैंड है ना, वैसे फ्रॉग में भी है. तो बाकी उसका जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो पूरा सिस्टम है ह्यूमन एंड फ्रॉग नियर अबाउट सेम है. बस क्रैनियल नर्व्स की कितनी पेयर है? 10 पेयर. और ह्यूमन में रहती है 12 पेयर. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद अ माउथ. माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी. रिवाइज करो, बकल कैविटी ओपन्स इनटू एसोफैगस, इट ओपन्स इनटू स्टमक, देन शॉर्ट होगा. इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए कौन कौन से जूसेस काम करेंगे? इंटेस्टिनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस. कंप्लीट डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो फूड है अनडाइजेस्टेड कहाँ पे जाएगा? रेक्टम के बाद एंटर करेगा इनटू क्लोएका. क्लोएका से बाहर आएगा. उसके तुरंत बाजू में कौन सा सिस्टम है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम. कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज. किडनी से पाइप निकल रहे हैं यूरेटर. ओके, नीचे फिर यहाँ पे येलो कलर का दिया है यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ से पूरा जो यूरिन है इसके अंदर जाता है इनटू द क्लोएका और बाहर. एडल्ट फ्रॉग कैसा रहता है? यूरियोटेलिक. और जो उसका टेडपोल लार्वा है वो कैसा रहता है? अमोनोटेलिक. समझ में आया आपको? उसके बाद कौन सा वाला सिस्टम है फिर? रेस्पिरेटरी. तो वाटर में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? स्किन. और लैंड पे नॉस्ट्रिल, बकल कैविटी एंड लंग्स. सो पेयर ऑफ लंग्स आप देख रहे हैं. उसके बाद में फिर सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट कितने चेंबर का? क्या रहते हैं? दो. एट्रिया, ए वेंट्रिकल. एट्रिया में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है? सुपेरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद. ये ब्लड पहले ट्रायंगुलर शेप में डालते हैं जिसका नाम है साइनस वेनोसस. ठीक है, और वेंट्रिकल में ब्लड आएगा फिर प्यूरिफाइड होके. तो वेंट्रिकल का जो ब्लड है उसके लिए वेंट्रिकल में भी एक ट्रायंगुलर शेप का कोन है. तो वेंट्रिकल के ट्रायंगुलर शेप को क्या बोला? कोनस आर्टेरियोसस. फिर ब्लड वेसल पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करते हैं. ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कैसे रहते हैं? न्यूक्लिएटेड. ब्लड से इंटेस्टाइन का लीवर के साथ में कनेक्शन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, उसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग पोर्टल सिस्टम. और किडनी के साथ के कनेक्शन को बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम. ठीक है, तो ये हो गया उसका सर्कुलेटरी सिस्टम. उसके बाद हमने पढ़ा फाइनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल में स्टार्ट्स विद अ पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस अटैच टू द किडनी बाय फोल्ड नोन एज मेसोशियम. टेस्टिस से क्या निकलेंगे? वासा डिफरेंशिया. 10 to 12 वासा डिफरेंशिया कौन से कैनाल में जाएंगे? फीडर्स कैनाल. फिर किसके अंदर गए? ये किडनी. किडनी से क्या निकला है? यूरिनरी डक्ट ओपन्स इनटू द ओके. तो कॉमन डक्ट है जो यूरिन और स्पर्म दोनों कैरी करेगा. ह्यूमन में भी तो वैसा ही है ना, याद है? ह्यूमन बींग्स में भी, ह्यूमन मेल में जो पेनिस रहता है दैट पासेस द यूरिन एंड दैट आल्सो पासेस द स्पर्म.
सेम इन द फ्रॉग यहाँ पे भी वैसा ही है. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद अ पेयर ऑफ ओवरी. ओवरी में ओवम डेवलप होंगे, कहाँ पे जाएंगे? ओवम इनटू द ओविड, एंड ओविड सेपरेटली ओपन इनटू द क्लोएका. तो क्लोएका कॉमन एपर्चर है जहाँ से यूरिन जाएगी, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जाएगा और गमेट्स भी निकलेंगे. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो बनेगा. और क्या बनेगा? पहले लार्वा. लार्वा का क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस. लार्वा को टेल रहता है ना, स्विम करता है फ्रॉग का लार्वा, मेटामॉर्फोसिस होकर बनेगा फाइनली एडल्ट फ्रॉग. समझ में आया? तो ये फ्रॉग द अनटोल्ड स्टोरी, फ्रॉग का जो पुराण है वो यहाँ पर खत्म होता है.